अपने अपने दिलों को थाम लीजिए और मैं क्या दिखाने लगी हूँ आप लोगों को, आप लोग अपनी आंखों से देखिए। मजा आया ना देख के, अच्छा लगा ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुकाम इब्राहिम है। और मुकाम इब्राहिम वो जगह है जहाँ पे हज़रत इब्राहिम ने खड़े होके खाना काबा की दीवारें तामीर की थी और उनके पैर मुबारक अभी भी उसके अंदर उसके निशान हैं जिसके इर्द गिर्द इन्होंने ये बना दिया हुआ है। ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना, तो इसको मुकाम इब्राहिम बोलते हैं। जब तवाफ हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर उसके सामने खड़े होकर दो नफल पढ़ते हैं और आबे जमजम भी पीते हैं। ये हतीम है, हतीम हतीम वो जगह है जब खाना काबा बन रहा था तो लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये जगह तामीर कर सकते, तो ये जो तीन, हाँ हलाल कमाई नहीं थी, तो ये तीन जो ये बत्तियाँ 1, 2, 3 इसके अंदर एक जगह है खाली, तो इसको हकीम बोलते हैं। तो ये भी खाना काबा की जगह है और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाज पढ़ने का मतलब है खाना काबा के अंदर नमाज, मैंने इतनी बार पढ़ी हुई है यहाँ पे नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, शुक्र है, थैंक यू अल्लाह ताला, थैंक यू सो मच। ये अभी मैंने आप लोगों को मुकाम इब्राहिम दिखाया था ना, ये वाला ये मुकाम इब्राहिम है। तो इसके सामने बैठकर नवाफल पढ़े जाते हैं और फिर अगर आप तवाफ़ कर रहे हैं तो यह नफल पढ़ के आपका तवाफ़ कंप्लीट हो जाता है, और अगर आप उम्रा कर रहे हैं तो तवाफ़ 7 चक्कर करने के बाद मुकाम इब्राहिम के सामने इस सामने बैठ के जैसे मैंने आपको दिखाया नफल पढ़े और हमारा तवाफ़ कंप्लीट हो गया। और अगर उम्रा करना हो तो यहाँ 2 नफल पढ़ने के बाद आप उठ कर सामने चले जाते हैं। सामने सही करने का तरीका लिखा हुआ है, मुझे दिखाता है वो सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जाके आप 7 चक्कर लगाते हैं और आपकी 7 चक्कर लगाने के बाद फिर आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। फिर 2 नफल पढ़ने होते हैं और आबे जमजम पीना होता है। आबे जमजम उम्रा करने का एक अहम हिस्सा है, रुकन है, और आबे जमजम के बारे में मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर में बता रही हूँ क्या है, ठीक है, वेट करें। यहाँ की सफाई देखें कैसे सेकंडों में होती है, विद इन सेकेंड्स ड्राई, देखें चेक करें फ्लोर कैसे ड्राई 1 सेकंड में, वाह। सफाई हो रही स्पीड में, माशाल्लाह लकी हैं ये लोग।
खुशकिस्मत है ना आप लोग, माशाल्लाह अल्लाह का घर साफ कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा कंप्लीट हो गया और बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, नजर आ रही है आप लोगों को बारिश, ये देखिए बारिश हो रही है। बी केयरफुल, सारा फ्लोर हाँ फिसलन हो रही है सारे फ्लोर पे। थोड़ा रश कम हुआ तो मैंने सोचा जल्दी से ना वीडियोस बना ली जाए। रात 2-3 बजे थोड़ा कम हो जाता है रश ना। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने होटल थक के। देखे कैसी बात है, ये थकावट भी कितनी मजे की है ना, इस थकावट में भी कितना मजा है ना। ये देखें आप होटल मेरा, देखें आप, छोड़ें हर चीज को, इसकी फील जो है ना वो फील है। मैं सोच रही हूँ कि ना यहाँ पे ना 2-4 पिक्चर्स बनवाऊ, मेरा दिल चाह रहा है पता नहीं क्यों, पता नहीं, ये कॉर्नर बहुत अच्छा है, बहुत मजे का लग रहा है मुझे, बड़ा शाही शाही, तो शाही कॉर्नर को यूज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए पिक्चर्स में, मैं बनवा रही हूँ। अल्लाह सख्त गर्मी के बाद ओह ठंडी हवाएं। हाँ मैंने भी जाना है। फूल देखे कितने अच्छे लग रहे हैं, सब ओरिजिनल है, सब ओरिजिनल है। सुबह भी मेरा दिल चाह रहा था इधर से मैं एक फूल निकाल के ले जाऊं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। हाँ मुझे ये फूल चाहिए, ये वाला। हाँ इसको, इनको ना अरबियों को ना सिर्फ अरबी आती, इन लोगों को हमारी समझ नहीं आती, चाहे हम इंग्लिश बोलें, पंजाबी बोलें या उर्दू बोलें, और नहीं इनको कुछ भी समझ आता। नहीं नहीं आई एम जस्ट किडिंग, ये फन के लिए था। यस हम फ्रेश हो गए, सैरी का वेट कर रहे हैं और मेरे गले में इतनी खराश हो रही है समझ से बाहर है क्यों, सांस थोड़ा खींच के लेना पड़ता है। अभी हमने ऐसा क्या खाया कि मेरे गले में खराश हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्या खाया मैंने ऐसा? क्वेश्चन ये नहीं कि तुमने ऐसा क्या खाया, क्वेश्चन ये कि तुमने क्यों नहीं खाया। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, क्या हो गया? शायद सऊदी अरब में कोई ऐसी चीज हो जो तुमने नहीं खाई। ये मेरे अल्लाह का एहसान है मुझ पे कि वो मुझे खिला रहा है, आप मुझे क्यों टॉन्ट कर रही हैं? रब की जात है जो इंसान को खिलाती है, नहीं मेरा रब है जो मुझे खिला रहा है। चलो जी सैरी खुल गई है, सैरी करते हैं चल के, चलो रोटी खुल गई है, रोटी खुल गई है, रोटी खुल गई है।